मैं डॉक्टर अनुप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुरा अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पुशअप्स की एक्सरसाइज, जो पुशअप्स एक भी नहीं कर पाता, मींस के जीरो से दस तक कैसे आपको पुशअप्स की गिनती बढ़ानी है, किस तरह से, मींस के जो बिगनर है उनको पुशअप्स की शुरुआत कैसे करनी है उसके लिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से पोजिशन लेनी होगी, जो हमारे हाथ है वो शोल्डर से थोड़े बाहर होने चाहिए, नहीं शोल्डर के ऐसे स्टेप नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा बाहर होना चाहिए, इस तरह से बाहर होना चाहिए। फिर पैर को इस तरह से सीधा कर दो और बस इस तरह से एक मिनट का होल्ड रखना होगा, इस तरह से एक मिनट का होल्ड रखो। ऐसे आपको तीन रिपीटेशन करने हैं, ये एक बार हो गया एक मिनट का, उस तरह से दोबारा करना होगा। उसमें ध्यान रखना है जो हमारा हाथ है शोल्डर से थोड़ा बाहर होना चाहिए, इस तरह से फिर करो, इस तरह से आपको तीन रिपीटेशन करने होंगे, एक एक मिनट के तीन रिपीटेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस हाथ की पोजीशन सेम रहेगी, हाथ हमेशा हमारा शोल्डर से थोड़ा बाहर रहेगा इस तरह से, और जो हमारे घुटने वो जमीन पर टच होने चाहिए, घुटना हमारा जो है वो जमीन से टच रहना चाहिए। फिर इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है, नीचे जाके फिर लेट जाना है, हमें वापस ऊपर नहीं आना है। पुशअप में क्या होता है कि हम नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, हमें ऊपर नहीं आना है, सीधा नीचे ही जाना है इस तरह से। ये नीचे लेट गए फिर वापस दोबारा करो, हमारा घुटना जमीन से टच होना चाहिए इस तरह से, और हाथ हमारे जो है शोल्डर से बाहर, वापस जाओ नीचे फिर लेट जाओ, वापस से करो नीचे जाओ फिर लेट जाओ, इस तरह से आपको 10-10 के तीन रिपीटेशन करने होंगे, तीन सेट करने होंगे। एक बार में 10, आधा एक मिनट का रेस्ट ले लो, वापस से 10 करो, वापस से रेस्ट ले लो, उस तरह से आपको तीन सेट करने होंगे। पुशअप्स की दूसरी एक्सरसाइज है वॉल पुशअप, वो किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको वॉल का सपोर्ट लेके करना होगा, इस तरह से मैंने पहले बताया था, ऐसे आपका हाथ शोल्डर से थोड़ा बाहर होना चाहिए और हाथ इस तरह से इसके लाइन में होगा शोल्डर की, और पैर आपके इस तरह से थोड़े पीछे होने चाहिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, फिर आपको आराम से पूरा जाना है फिर वापस आना है, इस तरह से आपको करना होगा। ऐसे आपको 10 रिपीटेशन करने होंगे और 10 रिपीटेशन तीन सेट करने होंगे, 10 रिपीटेशन और तीन सेट करने होंगे। पहले जो एक्सरसाइज बताई थी वो उसके भी 10 रिपीटेशन तीन सेट, उसके पहले जो बताई थी उसके एक एक मिनट का तीन सेट करना है, इसके भी तीन सेट करने 10-10 रिपीटेशन के साथ। लास्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें पूरा पुशअप्स करना होगा। आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे तो एक हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप फुल पुशअप्स लगाने लगोगे। इसके लिए इस तरह से आपको हाथ को बाहर रखना है, फिर पैर को इस तरह से सीधा रखना होगा, फिर आराम से जाना है फिर वापस ऊपर आना, इस तरह से ये फुल पुशअप्स हो जाएगा। ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 10 से 15 दिन में आपके जो पुशअप्स काउंट है वो 0 से 10 तक ले जा सकोगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।